दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। इस समय कोरोना की महामारी जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसके इलाज में सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़े और वह व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हुए इसके साथ संघर्ष करता हुआ जीते। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठतम प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार तुलसी का पौधा, जहाँ आध्यात्मिकता को इंगित करता है लेकिन साथ में एक औषधि के रूप में भी काम कर रहा है, और इस तुलसी के द्वारा वात पित्त दोष तो दूर होते ही हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख को बढ़ाता है और साथ में व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इवन तुलसी के पत्ते का रस यदि पानी में मिला करके पीते हैं वह भी काफ़ी लाभदायक रहता है। इसलिए मन में आया कि इस बीमारी के संघर्ष से लड़ने के लिए तुलसी के पौधों का आम जन में वितरण किया जाए। 5,151 तुलसी के पौधों का वितरण आज से प्रारंभ किया है, जिसे प्रत्येक वार्ड में जाकर के हम करेंगे। यह तुलसी के पौधे हमको एक कैलाश जी चौहान हैं पुष्कर नर्सरी कानस उससे मंगवाए हैं, उसके माध्यम से आम जन तक पहुंचाएंगे और आम जन से अपील करेंगे कि तुलसी के पौधे को अपने घर में लगा करके इसका उपयोग करें, जिससे इस महामारी से हम लोग जीत सकें। और आज तो आयुष मंत्रालय और दूसरे भी सभी लोग ये तुलसी के पत्तों के साथ, आप ग्लो है, काली मिर्च है, दालचीनी है, गुड़ है, इन सबको मिला करके काढ़ा पीने से काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है। उसे तुलसी के पत्ते अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, इस नाते आज इसका वितरण शुरू किया है। मुझे लगता है कि इससे अजमेर के हमारे क्षेत्र की जनता को काफ़ी लाभ होगा और आम जन इसको घर में लगा करके तुलसी के पत्तों का उपयोग करेगा।